मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले के सहपुरा विकास खंड के अंतर्गत एक पिपरिया माल गांव है। यहां पर एक प्राथमिक शाला है जिसमें कुल 88 बच्चे अध्ययन करते हैं। यहां पर समस्याएं तो बहुत हैं। क्या नाम है बेटा आपका? राधा जाई है। कौन सी कक्षा में पढ़ती है? कक्षा 5। यहां बिल्डिंग को लेकर क्या समस्या है बताइए? यहां ये स्कूल गिर चुकी है, बिल्डिंग बनने की समस्या। अभी बच्चे लोग कहाँ कहाँ बैठते हैं जब बिल्डिंग नहीं है तो? पंचायत भवन। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत सारे स्कूलों में सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, परंतु यहां पर देखा जाए तो कानून का सरासर उल्लंघन किया जा रहा है। बेटा आपके स्कूल में क्या क्या चीज़ नहीं है बताइए? वाटरिंग बॉल नहीं है, हेडपम्प नहीं है, खेलने का मैदान नहीं है। लड़के लड़कियों के लिए शौचालय है? है, मगर वो ये गंदे है। तो शौच के लिए कहाँ जाते हो? नाला में। बाउंड्री वाल की समस्या है और किचन सेट में भी परेशानी है, क्योंकि 87 बच्चों का भोजन बनाना प्रॉब्लम जाता है। पेयजल की व्यवस्था भी, दूर से पानी लाना पड़ता है, बहुत परेशानी होती है। आप कभी इन समस्याओं को लेकर कहीं कार्यवाही की है? जी मैडम, अभी पिछले सत्र में पूर्व बैठकों में भी अपने पीटीए के माध्यम से और ग्राम पंचायत में भी अवगत कराया कि आवेदन भी विभाग तक पहुँचाए, परंतु इसका कोई समस्या हल नहीं हुई। प्राथमिक शाला पिपरिया में सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए ताकि बच्चे सुरक्षित अध्ययन कर सके। मैं वीडियो देखने वाले दर्शकों से अपील करती हूं, कृपया इस पते पर कॉल कर हमारी मदद करें। पता है विकासखंड शिक्षा अधिकारी सहपुरा, उनका मोबाइल नंबर 83 49 83 12 43। मैं सरोज परस्ते, ग्राम पिपरिया माल, विकासखंड सहपुरा, जिला डिंडौरी, मध्य प्रदेश से इंडिया अनहर्ड के लिए।